ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो इस तरह से इसी तो एक बात और आपको बताती हूँ कि भगवान के आगे कभी संकल्प करके मुकरना नहीं है, और जो ना कर लिया उसे भगवान कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। मेरे मन में यही संकल्प चलता था कि इतना बड़ा मकान है, क्या भगवान सबका नहीं लेता है ना, तो यहाँ सेंटर नहीं खुलेगा। क्योंकि शुरू शुरू में बहना हमारी कुछ किसी भी कारण से एडजस्ट नहीं हो पा रही थी, बाबा को बोलती थी मैं। और इसका एक एग्जांपल मैं आपको और बताती हूँ कि एक बार मैं ऑफिस से लौट रही थी तो कुछ फल ले रही थी, तो भोग के लिए, क्योंकि दूसरे दिन थर्सडे था, भोग के लिए फल लिए मैंने और खजूर भी खरीदे। खजूर जो खरीदे तो मन में संकल्प आया ये खजूर पिताजी के लिए ले लेते हैं, बाकी फल तो मैंने भोग के लिए ले लिए हैं ना, खजूर पिताजी के लिए ले लेते हैं। और वो लेकर के आई, फिर उसी वक्त संकल्प चला रही है, मैंने क्या सोच लिया, अरे बाबा के भोग के लिए मैंने खजूर के लिए, मैंने ये कैसे सोचा पिताजी को दे देंगे और भोग बाकी का लगा देंगे। उस समय माफ़ी भी मांगी बाबा से, और यहाँ सेंटर पर आई तो मीरा बहन को बोला भी मैंने कि ये भोग में खजूर रख देना, याद दिलाया उसको सवेरे भी कि भोग में खजूर रखना, और मगर वो भोग में खजूर नहीं पहुँचे। मैं भी जिद्दी, मैंने कहा ठीक है, बाबा ने एक्सेप्ट नहीं किया ना, अगले बृहस्पतिवार को खजूर का भोग लगेगा, और वो खजूर एक हफ्ते तक उसको यूज नहीं किया। अगले हफ्ते भी रखना भूल गए, क्या ड्रामा हुआ, किस कारण से लास्ट मोमेंट पे फिर खजूर जो है भोग की थाली में नहीं पहुंचा। फिर सोचा कि अगले हफ्ते करेंगे, अब वो अगला हफ्ता तो फिर निकलेगा ना जा करके, अगले सप्ताह करेंगे। उसी दिन किसी के घर में किसी की डेथ हो गई थी और वो अपने परिवार सहित आए थे, कहा दीदी हम लोग आ रहे हैं सेंटर पर, उनको कुछ समझा दीजिएगा। और दिल्ली से एक परिवार आया था उनके लिए। अब उस समय सेंटर पर भोग तो था, मगर यह है कि वैरायटी नहीं थी, अब क्या और क्या रखा जाए, प्लेट खाली खाली लग रही थी, वही खजूर निकले। माना भगवान ने उस खजूर को नहीं स्वीकार किया, माना नहीं किया, क्योंकि मेरा संकल्प चल गया था ना पहले। तो इसीलिए संकल्प कितने स्ट्रांग होते हैं, संकल्प कितने फ्रूटफुल होते हैं। इसलिए पहली बात तो यह है कि भगवान के अगर अगर कोई बात कही है कि मुझे ये करना है, माना करना है। दूसरी बात, संग का बहुत संभाल करनी है। तीसरी बात, अगर तीव्र पुरुषार्थी बनना है तो आंखें और कान दोनों को बंद करके चलना होगा, हमें किसी की कमी नहीं देखनी है, हमारा जो निशाना है वो लक्ष्य पर होना चाहिए, हमारी नज़र लक्ष्य पर होनी चाहिए, तभी हम कर सकते। क्योंकि मैंने वो जो महसूस किया है, मैंने वो छटपट आगे परिस्थितियाँ आती थी तो लगता कि जैसे कि मुझे पिंजरे के अंदर बंद कर दिया गया, ये पिंजरा टूटे और मैं बाहर निकलूँ, मेरा पुरुषार्थ पीछे हो रहा है। कई बार ऐसा होता था मैं मुरली नहीं पढ़ पाती थी, योग नहीं कर पाती थी, तो वो जो छटपटाहट थी, और जब उसको थोड़ा सा भी चैन मिलता था तो जैसा होता ना भागना शुरू करना, वो पुरुषार्थ पर अटेंशन देना शुरू कर देते थे। तो जो समय हमें संगम युग का मिला है बहुत वैल्यूबल है, इस संगम युग की घड़ियों का हम महत्व समझें और बाप के साथ का अनुभव करें, बाबा के प्रति हम साफ और सच्चे रहें, बड़ों के प्रति हम साफ और सच्चे रहें। आज बाबा ने मुरली में कहा अंदर और बाहर एक, आँख और कान बंद करके चलेंगे तो मुख से निकलेगा ही नहीं, हाँ तो मुख क्यों चलेगा, मुख से बाबा ने कहा ना, आज भी कहा कि जो पत्थर नहीं निकालने हैं रत्न निकालने हैं, जाहिर बात है जब हम किसी की कमजोरी को नहीं देखेंगे। तो ज्ञान में मेरे विचार से मेरा अनुभव तो यही रहा, ज्ञान में वही चल सकता है जो आँख बंद करके चलता हो, उसे सिर्फ और सिर्फ बाबा दिखता हो, बाबा की श्रीमती दिखती हो। अच्छा, ओम शांति।